सो गाइस, जैसे कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स आपके अब नज़दीक हैं, जिनमें आपका सबसे पहले सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, सीजीएल, एमटीएस, ये सभी एग्ज़ाम्स आपके होने हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स में आप लोगों का ये इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके लिए हम लोग आपको यहाँ पर किरण का इंग्लिश वर्ज़न, जो कि है बिल्कुल अपडेटेड 16950, जो कि दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, यानी कि बिल्कुल सभी लेटेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हैं। और एक और ख़ास बात इसके अंदर बुक में है बच्चों, कि इस बुक को इस बार टाइप वाइज डिवाइड किया गया है। यस, तो टाइप वाइज डिवाइड किया गया है, तो अलग अलग टाइप बांट दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगी आप लोगों को। सो गाइस, यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी बात को कॉमन एरर से, डे 1 से। कॉमन एरर का डे 1 प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा गाइस आप लोगों का, जो कि बहुत शानदार आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बुक बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं कहानी को। तो गाइस, क्वेश्चंस को हम लोगों ने बुक से डायरेक्ट फोटो ना लेकर के इनको टाइप कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा ईजिली यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। तो जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर यहाँ पर नाउन हो गया आपका, और इससे पहले आपका आ गया एडजेक्टिव। यस, तो यहाँ डॉक्टर को देखकर के यहाँ पर एक्सप्रेस यानी कि सेकेंड फॉर्म लगाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न यानी कि चिंता, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। अबाउट फिजिशियंस कोमा रिकमेंडेड द वैक्सीन, तो गाइस सीनियर डॉक्टर ने जो है चिंता जताई है फिजिशियंस के बारे में, जिन्होंने वैक्सीन को रिकमेंड किया है। अब वैक्सीन यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है कि कौन सी वैक्सीन या किस चीज़ की वैक्सीन है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट किया जाता है कि कोरोना की वैक्सीन या फिर किसी मलेरिया की वैक्सीन, डेंगू की वैक्सीन, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। तो गाइस यहाँ आपका दा नहीं आना चाहिए था, इसके एरर हो जाएगी थर्ड पार्ट में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव डिस्कसिंग। अब यहाँ पर तो एक बहुत ही टुच्ची एरर है। टुच्ची एरर क्या है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैज़, हैव और हैड, इन तीनों के साथ ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर आपको इनका आईएनजी लगानी भी है, तो आप हैज़, हैव और हैड के बाद में पहले बीन लगाइए, फिर आप लोग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कीजिएगा। तो या तो उसे हैव बीन डिस्कसिंग करो या फिर हैव डिस्कस करो, गलती यहाँ पहले पार्ट में आपके हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपके एरर जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और एरर नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म, ऑल की वजह से यहाँ पर प्लूरल नाउन आ चुका है, और नाउन की वजह से, नाउन से पहले जो आ रहा है नोन, नोन वैसे थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर नाउन से पहले आ रहा है तो ये काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव का ऑफ फिजिकल ग्रोथ। बाकी सबको ठीक है, ग्रोथ भी यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है, ये भी आपका काम हो गया एडजेक्टिव का। चिल्ड्रन इन्जॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इन्जॉय आपकी उन वर्ब में से एक है जिसके बाद हमेशा जिरंड आया करता है, ये भी ठीक है। लिसन के बाद हमेशा टू आया करता है, ये भी ठीक है। घोस्ट स्टोरीज भूतों की कहानियाँ, ये भी ठीक है। स्पेशली ऑन हालोवीन नाइट, तो यहाँ पर यह हालोवीन नाइट डेफिनेट किया गया है, इससे पहले आपको दा लगाना चाहिए था ऑन द हालोवीन नाइट। यस, अब यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, समझते हैं यहाँ से, कह रहे कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम करने के लिए है। अब गाइस वर्क क्या है हमारा, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले मैनी नहीं आ सकता, मच आना चाहिए था। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्क में आपका एस भी नहीं आएगा। सो आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, ये कहना चाहिए था सेंटेंस को। तो सेंटेंस में यहाँ पर कुल मिलाकर के थर्ड पार्ट में एरर हो गई है। कह रहा है कि देर आर सो मैनी फील्ड ऑल अराउंड द प्लेस, फिर से देर आ गया है। मैंने आपको बताया कि देर के बाद जो वर्ब आया करती है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। अब बाद वाला सब्जेक्ट है मैनी फील्ड, सो मैनी फील्ड, फील्ड बोलते हैं गंदगी को, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो फील्ड नहीं केवल फील्ड होना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए था। अब जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में आपका मैनी नहीं, यहाँ पर मच होना चाहिए था। और जब यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है तो आर नहीं, यहाँ पर इज होना चाहिए था। देयर इज सो मच फिल्थ, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था, तब जाकर ये सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। तो फिलहाल यहाँ पर आपके हो गई है पहले ही पार्ट में एरर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, आई केम, केम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है,
टू स्कूल, टू मतलब आगे जाने के लिए, मैं स्कूल आया एट द सेम यूजुअल टाइम। सेम और यूजुअल दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं, या तो ऐट द सेम टाइम करो या फिर ऐट द यूजुअल टाइम करो, कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। यस, टाइम हमारा नाउन है, यहाँ पर ये काम कर रहा है ए एल आर आखिरी में, तो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो आप ऐसे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन सेम और यूजुअल दोनों एक साथ आपके नहीं आने वाले हैं, ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। यहाँ से मैं सेम हटाऊँगा क्योंकि टाइम को देखते मुझे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ से हम लोग बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द कंपनी इज यूजिंग, कंपनी यहाँ पर हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई गई है इज, ठीक है। इज हमारे साथ में आईएनजी लगाई गई है, सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया गया है, ठीक है। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपका एज ए नाउन काम कर रहा है, तो अभी तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू परसुएड, परसुएड मतलब होता है राजी करना, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, टू के बाद वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। टू परसुएड पीपल, पीपल हमारा नाउन हो गया है अब, ठीक है। टू बाय, ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है। इट्स रेफ्रिजरेटर, इट्स आया है कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी सिंगुलर थी तो इट्स आया है, अगर कंपनी यहाँ पर प्लूरल होती तो देर आता, ये भी ठीक है। रेफ्रिजरेटर मतलब उनके यहाँ फ्रिज बनते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज, टेक्नीशियन ने रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाया, सेकेंड फॉर्म में सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टू के साथ हैव आ गया, ठीक है। अ थोरोली क्लीनिंग, अब यहाँ पर क्लीनिंग, क्लीन क्या आ गया, इस वर्ब, वर्ब में लगाई गई है आई एन जी, वर्ब में जब लगा दी जाए आई एन जी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना, अगर आई एन जी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर वोज वर्ब, यानी कि बी की फैमिली, आई एन जी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वोज वर्ब बी बीन बींग ना हो तो ये काम करता है नाउन का, किसका काम करता है ये, नाउन का। अब ये अगर नाउन है क्लीनिंग तो नाउन से पर होना चाहिए था एडजेक्टिव, जबकि यहाँ पर ये बन रहा है एडवर्ब, वर्ड हमारा मेन थोरो, टी एच ओ आर ओ यू जी एच, ये वर्ड हमारे पास थोरो जो कि एक एडजेक्टिव है, और मैंने आपको कई बार बताया कि एडजेक्टिव में जब हम लोग लगाते हैं एलवाई तो बन जाता है एडवर्ब, जबकि यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए चाहिए एडजेक्टिव, यहाँ पर एडवर्ब नहीं आएगा। टू हैव अ थोरो क्लीनिंग ऑफ द मशीन, यानी सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में यहाँ एरर है। कह रहे हैं कि यू शुड हैव, शुड हमारा मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब पर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कैसा हो, तो ठीक है। यू शुड मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ठीक है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, ठीक है। यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट इंस्टेड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल, ठीक है। फॉर हमारा प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आ जाए तो हमेशा जिरंड केस में आती है, ये भी ठीक है। यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेट, ठीक है। योर हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का नाउन आ गया है, ये भी ठीक है। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ भी क्या हमारी प्रपोजिशन, इसके बाद भी क्या आना चाहिए था, जिरंड, बाय नहीं बाइंग। प्रपोजिशन टू को छोड़ करके कोई भी प्रपोजिशन हो उन सब के तुरंत बाद हमेशा जिरंड आया करता है। थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर। अगला सेंटेंस पूछा है, कह रहा है कि माई कज़न सिस्टर, गैस कज़न के साथ में यानी कि सी ओ यू एस आई एन, कज़न के साथ में हम लोग ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। कज़न का मतलब ही है गैस चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, तायसरा भाई, तायसरी बहन। तो यहाँ पर कज़न के साथ में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ फिलहाल तो गलती पहले पार्ट में हो गई है, लेकिन गैस कज़न की जगह अगर यहाँ पर होता आपका स्टेप तो आप लगा सकते थे, स्टेप के साथ में आपका ब्रदर और सिस्टर आ सकता है। इसी की जगह आपका आ जाए फोस्टर, फोस्टर बोलते हैं मुबोले को, इनके साथ भी ब्रदर और सिस्टर आ सकता है। इसी तरह से आपका होता है सो कॉल्ड, सो कॉल्ड मतलब कहने को, जैसे कि तुम मेरे कहने को भाई हो, सिर्फ बस कहने को यानी कि नाम के, तब भी आपका आ सकता है, बस कज़न के साथ में नहीं आएगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। उसके बाद यहाँ पर गए माई कज़न इन्वाइटेड मी, इन्वाइट के साथ हमेशा टू आया करता है जो कि आ रखा है, टू हर बर्थडे पार्टी, बाकी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। वी शुड अबाइड, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी,
यहाँ आकर के रूस कोई भी काम नहीं करता है जब चीज़ें याद करने की या रटने की हो। जैसे कि यही आपका है रूल होता है पूरा पूरा अबाइड बाय। अबाइड बाय मतलब पालन करना नियमों का किसी भी चीज़ का। वी शुड अबाइड बाय द प्रोमिस दैट वी मेक। तो हमें उन प्रोमिसज़ का वादा पालन करना चाहिए जो हमने करे हैं। तो गैस ठीक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस की में बस प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टू की जगह टू आपका आ रहा है सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। कह रहा है कि मैनी फॉर्म्स, ठीक है, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आना ज़रूरी भी था, ठीक है, मैनी फॉर्म्स, ठीक है, फेल। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, इसका मतलब सेंटेंस को प्रेजेंट में ले जाया गया है। बिकॉज मैनी फॉर्म्स फेल बिकॉज, ठीक है, When they begin exporting, they have not researched. ये देखिए टुच्ची साइड दी गई है, दे के साथ हैव दिया गया है, ये तो इसकी जरूरत नहीं है। हैज अप के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पर दिया है रिसर्च, रिसर्च नहीं रिसर्चड यहाँ पर होना चाहिए था। ओके, तो यही आपकी हो जाएगी एरर। सेंटेंस में देखा जाए तो फिलहाल अभी एरर जा रही है सेकेंड पार्ट में 12 के Part of what a man learns will measurable. Part of what, यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया ट्रिक, ट्रिक क्या बताई हुई आपको मैंने, मैंने जब आपको आर्टिकल पढ़ाया था, आप लोगों ने अगर हमारा ग्रामर का बैच लिया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा गाइस। देखिए ग्रामर का बैच एक बार ज़रूर पढ़िएगा, पढ़िएगा आप, और पढ़ने के लिए भी मैं कहूँगा कि आप हमसे ही पढ़िएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं अपना यहाँ पर ऐड करने आया हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि मैंने किरण एम बी मिरर के बहुत सारे वर्जन सोल्व कराए हैं और हमने अपने ग्रामर के रूल्स को सेट किया है पहले इन बुक्स को पढ़ाने के बाद में। हमारे जो ग्रामर रूल्स हैं इन बुक्स को पढ़ाने के बाद सेट किए गए हैं। जो रूल बार 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 एग्ज़ाम में आ रहे हैं और जिस तरह से आ रहे हैं हमने उस तरह से अपने ग्रामर पोर्शन में उसको सेट किया है। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात की है, आप यकीन नहीं करेंगे। सभी टॉपिक्स को लेक्चर को हमने कंप्लीट किया है सिर्फ आधे आधे घंटे की वीडियो में, मैक्सिमम 40 to 45 वीडियोज़ में। अब आप सोचिए टोटल मिलाकर के 93 या 95 वीडियोस होंगी जिसमें आपका प्रैक्टिस सेशन भी शामिल है। प्रैक्टिस मतलब जैसे आर्टिकल कराया तो आर्टिकल की प्रैक्टिस, नाउन कराया तो नाउन की प्रैक्टिस, वो भी 5-5 बुक से, जिसमें आपका परफेक्ट मिरर एसपी बक्सी केडी कैंपस क्रिस्टोफर फर्निस्टर ये सब चीज़ें शामिल है। तो यानी कि आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि किरण आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे अलावा यूट्यूब पर कोई कराता भी नहीं है। तो क्या होता है गाइस, आपको ये जो रूल है ये रूल आपको अप्लाई करने आ जाएंगे जब आप ग्रामर पढ़ लेंगे ढंग से। तो ये ग्रामर का पोर्शन आपको हमसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब रूल तो क्या थी कि प्रीपोजिशन से पहले अगर कभी कोई नाउन आएगा तो उस नाउन से पहले हम लोग द लगाएंगे। अभी चीज़ें किताबों में थोड़ा लिखी हैं क्योंकि किताब वाले तो वो पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ें चलती आ रही हैं, अब उन्हें नहीं पता ना कि एग्जाम्स में किस तरह पूछा जा रहा है। इसलिए तो ये कम्प्लीट एक ग्रामर बैच है, वो भी सिर्फ 299 रुपीज़ में। इसमें आपको कम्प्लीट लेक्चर मिल जाएंगे सभी टॉपिक्स के, आर्टिकल नाउन प्रोनाउन वर्ब टाइम एंड टेंस सिंटैक्स एडजेक्टिव कंजक्शन प्रीपोजिशन सभी टॉपिक के। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा सभी टॉपिक का अलग से। लाइक मान लीजिए आर्टिकल पढ़ाया तो आर्टिकल की प्रैक्टिस, नाउन पढ़ाया तो नाउन की प्रैक्टिस, प्रोनाउन पढ़ाया तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस, वो भी 5-5 बुक से, परफेक्ट मिरर एसपी बक्सी केडी कैंपस क्रिस्टोफर फर्निस्टर। साथ में आपको सभी नोट्स का मिल जाएगा पीडीएफ बिल्कुल फ्री, जिसकी कीमत सिर्फ 99 रुपीज़ अलग से सी गई है, वो आपको 299 में मिल जाएगा। तो 200 रुपये में अगर देखा जाए आपको कंप्लीट ग्रामर बैच मिल रहा है, यस, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो 299 रुपीज़ आपको पे करना है, कंप्लीट ग्रामर बैच आपको कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा पढ़नी है ग्रामर, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स आपके लिए काम करते हैं अगर आपको सिर्फ 15 दिन में खतरनाक होना है ग्रामर में। वरना मुझे बच्चे बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे टीचर भी हैं यूट्यूब पर जिन्होंने 30-30 दिन में नाउन निपटाया, वो भी 1 घंटे के लेक्चर में, और मैं 30 दिन नहीं 15 दिन में कंप्लीट ग्रामर निपटा दूँ आप लोगों की, वो केवल नाउन निपटा रहे हैं आपका, तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का जो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। भाई टीचर छोड़ना बनना आप लोगों को। कह रहा है कि ही एक्सप्लेन दैट द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाय ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज। ही एक्सप्लेन, ठीक है, सेकंड फॉर्म दैट यहाँ पे काम कर रहा है कंजक्शन का। द पिलर्स ऑफ, देखो फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन से पहले नाउन है, नाउन से पहले द आ गया, ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाय ऑन, ये आपकी वर्ब होगी रिलाय ऑन, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज, ये होगी इसकी वर्ब काउंटर, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज। अब आपका आगे यहाँ पर और, अब देखो ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, क्या ट्रिक बताई हुई है कि एंड
बट और जब सेंटेंस में आए तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम होना चाहिए। यस, तो सेम मतलब इधर आपका आ रहा है एडजेक्टिव, तो इधर भी आएगा आपका एडजेक्टिव। सोशल है तो कल्चरल आएगा यहाँ पर, तो कल्चरल एंड सोशल चेंजेस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पार्ट में। अगर यस, देखो ऐसी चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देर इज अ बैरियर अमंग द एग हेड एंड द एम्प्लॉय एंड इट वुड बी लेजी एडलिम टू इग्नोर इट। देर इज अ बैरियर, ये तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि देर के बाद जो वर्ब आती है वो बाद वाले हिसाब से होती है, और बाद वाला अ बैरियर, ठीक है। ठीक है, अमंग द एग हेड एंड द एम्प्लॉय। अब गाइस मैंने आपको बताया कि अमंग का इस्तेमाल करते हैं दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन सेंटेंस में अगर कहीं पर भी आपका आ रहा है एंड, तो चाहे दो से ज़्यादा हो या नहीं, पेयर तो भैया बिटवीन एंड का ही बनेगा, तो अमंग नहीं, बिटवीन द एग हेड एंड द एम्प्लॉय। सेंटेंस में यहाँ अमंग की जगह बिटवीन आएगा, सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। कह रहे कि क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। कैन के बाद फर्स्ट टर्म आ गई, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, ऑफ के बाद प्लुरल नाउन आ चुका है, इन आवर लाइव्स, सच एज फिनांसिंग एंड पेइंग ऑफ योर ड्रीम, हाइब्रिड और कॉलेज ट्यूशन फीस। तो गैस यहाँ प्रॉब्लम समझे क्या है, यहाँ पर सच एज फिनांसिंग एंड पेइंग ऑफ नहीं आएगा, पे के साथ में आपको यहाँ पर लगाना होगा, तो पे टू या पे फॉर, पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए पे करना। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हम लोग यहाँ से 17 समझे क्या कह रहा है। एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी, ठीक है, सम के साथ प्लुरल नाउन, प्लुरल वर्ब, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार से भी। लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर, जी नहीं, सेंटेंस यहाँ प्रेजेंट में चल रहा है, तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चलाओ। जब सेंटेंस में आर आया है तो आप भी आर का इस्तेमाल करो, सम आर, तो बस सिंपल थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर आपकी। द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल, ठीक है, ऑफन वेडिंग थ्रू, वेडिंग थ्रू, यस वेडिंग थ्रू नहीं, या तो पासिंग थ्रू करो, पास थ्रू मतलब कहीं से होकर गुजरना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट में, या फिर थ्रू मत लगाओ। नो मैटर वट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स इन द एंडिंग, जी नहीं, इन द एंडिंग नहीं, इन द एंड, इन द एंड, इन द एंड नहीं, कई बार बोल देते हैं सर हम लोग अपनी निजी उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इन द एंड, अंत में, कि अंत में तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ा, अंत में तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ा, अंत में तो तुम्हें तैयारी करनी पड़ी, अंत में तुम्हें प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी, तो इन द एंड नॉट इन द एंडिंग, यस, या फिर कई बार इस्तेमाल करते हैं इन द एंड की जगह एट लास्ट, कह रहे बात। तो यहाँ फिलहाल आपका इन द एंडिंग नहीं, इन द एंड होना था सेंटेंस में, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में आ रहा है। मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन प्लुरल है, तो भैया प्लुरल वर्ब आएगा ना, हैज़ क्यों, हैव आएगा, सिंपल है बस, खत्म बात, यहीं पे होगी एरर आपकी, फर्स्ट पार्ट में एरर है हमारे। यस, तो चलिए गाइस फिलहाल तो थोड़ी समय की तंगी है, तो आज मैं इसमें आपको 20 सेंटेंस ही करा पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग 30 सेंटेंस कवर करें कम से कम, जिससे कि हम लोग 50 तक पहुँच जाएँ, और फिर हम लोग हर वीडियो में 25 सेंटेंस का एक सीक्वेंस बना लेंगे। ओके गाइस, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।